जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं विराट चौधरी। दोस्तों आज का ये वीडियो है, ये SSC GD 2018 वालों के लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, क्योंकि आज इस वीडियो में आपने जैसा थंबनेल में देखा, मैंने एक पेपर का कटिंग लगा रखा है और वो पेपर का कटिंग मैं आपको इधर वीडियो में आप दिखाऊंगा। आप देख रहे हो इधर इस पेपर का जो कटिंग है, इसमें आप देख लो, इसमें एक न्यूज़ लिखी हुई है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव है। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या नए हो इस चैनल पे, तो ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। और SSC GD से संबंधित फाइनल कट ऑफ या स्टेट वाइड कट ऑफ, इनके बारे में मैंने बहुत सारे वीडियो बना रखे हैं, फाइनल फिजिकल एक्सरसाइज के बारे में भी। तो आप जिनके लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और साथ में अगर कोई मेरे से पर्सनली बात करना चाहता है तो उसके लिए मैं लिंक इंस्टाग्राम, मेरा इंस्टाग्राम का लिंक नीचे दूंगा दोस्तों। तो आप मेरे से इंस्टाग्राम पर आकर पर्सनली बात कर सकते हो दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में मैं सबसे पहले बात करूंगा कि जो लोग आपको भ्रमित कर रहे हैं, उसके बाद में मैं न्यूज़ की कटिंग पे आऊंगा कि जो न्यूज़ की कटिंग है उसमें क्या लिखा हुआ है। फिर आप खुद देखना कि लोग कितना झूठ बोल रहे हैं, मतलब कितना किस किस लेवल तक SSC GD के विद्यार्थियों को मतलब गुमराह कर रहे हैं, कितना झूठ बोल रहे हैं, इसकी कोई हद ही नहीं है। तो दोस्तों बहुत सारे लोग ये झूठ बोल रहे हैं कि 85,000 मेडिकल पास हो रखे हैं। तो पहले तो मैं ये बता दूं दोस्तों, SSC GD की तरफ से एक नोटिफिकेशन आई थी, ये नोटिफिकेशन तो नहीं, तो पहले तो मैं ये बता दूं दोस्तों कि SSC GD के द्वारा एक न्यूज़ में भी, अमर उजाला न्यूज़ में एक न्यूज़ छपी है, उसके अनुसार, आपको शायद नहीं पता होगा, उसके अनुसार उसमें ये बोला गया कि 24 नवंबर, मतलब आने वाला 24 नवंबर को SSC GD के टोटल रिमेडिकल कैंडिडेट्स की फाइलें कंप्लीट होकर SSC GD के हस्तांतरित हो जाएगी CRPF से। तो दोस्तों अगर रीमेडिकल की फाइलें ही कंप्लीट होकर अब जा रही है, तो इन लोगों को पहले कैसे पता लग गया कि 85,000 ही रीमेडिकल है। सबसे बड़ी बात तो ये किस हद तक झूठ बोल रहे हैं लोगों को। किसी के पास कोई आंकड़ा है कि 85,000 ही रीमेडिकल के साथ मेडिकल फिट हुए हैं? किसी के पास अगर कोई आंकड़ा है या कोई नोटिफिकेशन है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए, नहीं तो कमेंट बॉक्स में फालतू कमेंट ना करें। अगर किसी के पास में हो तो मेरा इंस्टाग्राम का मैं लिंक दे रहा हूँ, उस पे जाके मेरे को भेजे, या किसी के पास फिक्स आंकड़ा हो ये कि हाँ 85,000 मेडिकल पास है, इसकी न्यूज़ ये रही, इसका प्रूफ ये रहा, तभी बात करें। नहीं तो जो ये लोग भड़काऊ बयान दे रहे हैं, फालतू के आपको गुमराह कर रहे हैं, इनकी बातों में मत आइए दोस्तों। जो न्यूज़ में छपा है मैं ओरिजिनली आपको बता रहा हूँ, मैंने पहले भी बताया मेरे सारे वीडियो में कि रीमेडिकल में ज़रूरी, किसी को नहीं पता अभी तक कि रीमेडिकल में टोटल कितने लोग पास हुए हैं। जो आपको बोल रहे हैं 85,000 का, ये पूरा का पूरा झूठ है कि 85,000 ही रीमेडिकल के साथ मेडिकल फिट है, ये पूरा का पूरा झूठ है दोस्तों। इसमें आपको सिर्फ गुमराह करने के अलावा और कुछ नहीं है, नथिंग, सिर्फ आप लोगों की भावनाओं के साथ खेलना है कि लोगों को कैसे मतलब ललायत करें, कैसे कभी ट्विटर पर, कभी टेलीग्राम पर, कभी इधर, कभी उधर, कभी उधर, क्या फ़ायदा है इसका, पता ही नहीं 85,000। मेरे को तो एक बंदा बता दो, एक प्रूफ बता दो कि जिसने ये जो ये बोल दे कि 85,000 रिमेडिकल हुए। जब कल की ये न्यूज़ है, कल न्यूज़ में ये छपा था कि SSC GD के जितने भी अभ्यर्थी हैं उनके रिमेडिकल की फाइनल रिपोर्ट 24 नवंबर तक SSC GD को सौंप दी जाएगी। तो जब SSC GD को खुद को 24 नवंबर को पता चलेगा कि कितने रिमेडिकल के पास हुए हैं, तो इन लोगों को पहले कैसे पता चल गया? इनके पास में कोई तोता है क्या जिनको ये पता होता है कि भाई तोते ने पर्ची निकाल दी 85,000 मेडिकल पास, या इनके पास में कोई पोपट है जो एडवांस बताता है? तो लोगों को गुमराह कर रहे हैं और हो रहे हैं, फिर दूसरे उनको कोई सही जानकारी दे रहा, उनको गलत लग रहा है। इसके साथ में एक और न्यूज़ है जो नीचे लिखी हुई दोस्तों, कि उसी न्यूज़ रिपोर्ट, जब न्यूज़ से बात हुई तब ये बताया गया SSC GD के दौरान कि इस वैकेंसी में 24 नवंबर को जैसे ही रीमेडिकल के टोटल सबमिट हो जाएंगे, फॉरम यानी जितनी लिस्ट हैं वो सबमिट हो जाएगी, तो जल्दी से जल्दी यानी दिसंबर लास्ट या जनवरी फर्स्ट तक मेरिट की घोषणा हो जाएगी और जल्दी से जल्दी ज्वाइनिंग पत्र दिया जाएगा दोस्तों। तो मैंने शुरू से बताया कि दिसंबर लास्ट या जनवरी फर्स्ट में इसका रिजल्ट आने वाला है दोस्तों, फाइनल मेट आने वाली है, इसीलिए आप शांति बना के रखिए। और SSC GD की तरफ से भी ये कल बयान आया है, कल की जो न्यूज़ है उसमें ये आया था कि 24 नवंबर को जैसे रिमेडिकल की टोटल सबमिट हो जाएगी फाइलें, उसके बाद में सभी को बायोडाटा करके, और एक मंथ के दौरान, हर बार 2 मंथ से ज़्यादा लग जाते हैं, 2 मंथ के आसपास का टाइम लेती है SSC GD रिमेडिकल कंप्लीट होने के बाद। लेकिन इस बार ऐसा आया कि 1 मंथ, मतलब कि नवंबर चल रहा है और दिसंबर लास्ट तक उन्होंने मेडिकल टोटल जो फाइनल मेरिट लिस्ट है उसको घोषणा करने की बारे में बताया दोस्तों।
तो अब आपके लिए खुशखबरी मान लीजिए, लेकिन जिन लोगों ने फालतू की जो अफवाह उड़ा रहे हैं उन पर ध्यान ना दें। और मैं बता दूँ, रिमेडी के लिए अभी किसी को कुछ पता नहीं है, कोई फिक्स डाटा नहीं है कि कितने लोग पास हुए हैं कितने लोग फेल हुए हैं। दोस्तों इसका कोई डाटा नहीं है, तो इस चक्कर में आप ना ही पढ़े और वेट करें मेरिट का कि कब जल्दी से जल्दी मेरिट आ जाए, तो दिसंबर लास्ट मान लीजिए या जनवरी फर्स्ट। और अगर जनवरी फर्स्ट में आपकी या दिसंबर लास्ट में अगर आपकी फाइनल मेरिट आती है, तो आप मान के चलिए जनवरी लास्ट तक आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। और जो न्यू वैकेंसी का वेट कर रहे हैं दोस्तों, उनको बता दूँ कि न्यू वैकेंसी 23 मार्च से फॉर्म भरे जाएंगे। तो आप और पुराने वाले आपके लिए बता दूँ कि 23 मार्च से अगर फॉर्म भरे जाएंगे तो उससे पहले पहले आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी दोस्तों। तो ये असलियत है दोस्तों। और जो लोग झूठ बोल रहे हैं 85,000 पास हुए हैं या 25,000, फिक्स 85,000 कैसे पास हो सकते हैं, इतना दिमाग तो आप में ही होना चाहिए। फिक्स 85,000 कैसे पास, 85,000 दो चार पाँच छः दस बारह बीस, 85,000 201 204 500 कुछ ऐसा हुआ होगा ना, फिक्स 85,000 पास हो सकते हैं, ये आंकड़ा आपने कैसे मान लिया, किसी ने बोल दिया मान लिया? क्योंकि हमारे देश में धर्म जो भी बोल देते हैं, कोई भी साधु बन के या कुछ भी बोल देते हैं, लोग मान लेते हैं। तो नहीं मानना, प्रूफ भी तो देखो, जो बोले उसको बोलो प्रूफ दिखाओ ना, कहाँ है 85,000, कहाँ लिखा हुआ है SSC.NIC.IN पर कहीं लिखा हुआ है क्या 85,000 मेडिकल रिमेडिकल फिट हुए? ऐसे ही तो मत मानिए, और जो सही इन्फॉर्मेशन दे रहा है उसकी सुन लीजिए। जय हिंद।